पीएम मोदी के खिलाफ शत्रुघ्न और यशवंत सिन्हा भरेंगे हुंकार? क्या काशी में नरेंद्र मोदी को घेर पाएंगे बीजेपी के बागी? आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी खासकर पीएम मोदी को घेरने के लिए एक ओर जहां विपक्ष लामबंद हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से नाराज नेताओं ने भी अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा और मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को उन्हीं के घर में घेरने का प्लान तैयार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपातकाल दिवस के मौके पर यानी 25 जून को यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के इस मंच पर कई और विरोधी नेताओं का भी जमघट हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार और अघोषित आपातकाल को लेकर वाराणसी से बलिया तक पदयात्रा भी निकालेंगे। दरअसल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी के दिन को ही केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए चुना है। केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में काशी से ही पीएम मोदी को चुनावी मैदान में भी चुनौती दे चुके हैं। इस मौके पर ऐतिहासिक बेनिया बाग के मैदान में जन अधिकार रैली आयोजित की गई है। इसमें विपक्षी दलों के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा की मौजूदगी बदलते सियासी समीकरण को बताने के लिए काफी है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा की केंद्र सरकार खासकर पीएम मोदी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। समय समय पर दोनों नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने में जुटी पार्टियां बीजेपी के बागियों को साथ लाने और उनके जरिए सरकार पर हमला बोलने की मुहिम में जुटी है। चूंकि बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में यहीं से इसे धार देने की कोशिश सियासी अखाड़े में गर्मी बढ़ाएगी। हालांकि वो इसके जरिए पीएम मोदी को घेरने में कहां तक कामयाब होते हैं, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।